गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित हैं और अपना जो काम व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिल रहा है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो मैं क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड करवाता हूँ वो भी आप अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्विज में ये काम भी आएंगे। इसी के साथ आज के हम जो क्वेश्चन है कोरोना से रिलेटेड वो करेंगे। चलो फिर देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए वार्ड बोट को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, बी ऑप्शन है मद्रास और सी ऑप्शन है आईआईटी रोपड़, डी ऑप्शन है आईआईटी रुड़की। तो वार्ड बोट को लॉन्च करने वाली आईआईटी है रोपड़ आईआईटी द्वारा वार्ड बोट को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए लाइफलाइन उड़ान किस देश में शुरू की गई? पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है भारत। कोविड-19 जो लाइफलाइन उड़ान है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच ऐप का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है सभी देशों ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, सभी देशों ने। जहाँ यहाँ पर जो लिखे हैं भारत, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर कोरोना कवच ऐप का प्रयोग किया है। कन्फ्यूज नहीं होना, अगर भारत में पूछता है कि भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है, तो दो ऐप लॉन्च की है, कौन कौन सी? आरोग्य सेतु के नाम से है और कोरोना कवच ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सभी देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के डॉक्टरों को किस हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है AIIMS, बी ऑप्शन है फोर्टिस हॉस्पिटल, सी ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल, डी ऑप्शन है लीलावती हॉस्पिटल। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है इंडिया का? एम्स हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट लॉन्च किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? एम्स हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है उड़ीसा राज्य ने क्या की है? मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना मुक्त बना है? या प्रश्न बन सकता है, हाल ही में कौन सा देश पहला देश कोरोना मुक्त बना है? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मेक्सिको, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड देश है वो कोरोना से मुक्त हो गया है, वहां पर 17 मई के बाद कोई भी नया केस नहीं मिला है। तो न्यूजीलैंड वह देश पहला देश है जो कोरोना से मुक्त बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा वह राज्य है जिसने कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का अस्थाई नाम क्या दिया गया था? WHO की घोषणा से पहले इसको क्या नाम दिया गया था? पहला ऑप्शन है 2019 बी ऑप्शन है 2019 को, सी ऑप्शन है COVID-19, डी ऑप्शन है वुहान वायरस। तो कोरोना वायरस का जो अस्थाई नाम दिया गया था वो दिया गया था 2019 को।
एन इसका मतलब है नोवल वायरस, कोरोना वायरस। तो यहाँ जो कंफ्यूजन होता है कि कई जगह पर COVID-19 इसका अब WHO के द्वारा घोषणा की गई है, वो इस बीमारी का नाम है COVID-19, कहीं पर SARS ऐसे भी लिखा रहता है SARS। तो जो SARS है वो इस कोरोना वायरस, जो वायरस है वायरस का नाम है, और COVID-19 जो बीमारी है कि कौन से वायरस के कारण होती है, SARS वायरस के कारण होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ गया, अस्थाई नाम क्या दिया गया था 2019 एन को। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है कोविड न्यूज बाई MIB, बी ऑप्शन है कोरोना न्यूज MIB, सी ऑप्शन है कोविड MIB और डी ऑप्शन है कोविड रिपोर्ट MIB। तुम्हारे यहाँ पर कोरोना न्यूज बाई MIB जो लिखा है पहला ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है, कोविड न्यूज बाई MIB, मतलब कोविड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो MIB देगा। MIB मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB क्या होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा न्यूज हैंडल बनाया गया COVID-19 न्यूज बाई MIB। इसी के साथ हमारे जो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे लगे और आपके क्विज में सहायता करें। धन्यवाद, थैंक यू। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। कोई बच गया होगा तो वो आपके लेवल का नहीं है। आशा है कि ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको आपके इस क्विज में काम आएंगे। इसी और आशा और उम्मीद है कि आप जीते भी, जो भी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं जितनी भी वीडियो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक का बटन जो होता है वो थम्स अप उसके ऊपर क्लिक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छी वीडियो बना सकूं। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद।